अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो कैसे हैं जी? क्या? सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे जी आ रहा है मेरा सितारा, वो आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नाश्ता लेके आ रही। ठीक हाँ, है, तो ये बैग आपका मैं डालू यहाँ हाँ उधर तो रख दो इसको, उसके ऊपर उठा के पे? रख दो इसको ना। आ जाएगा दोनों बहनों ने, शुक्रिया। कौशल ने और सितारा ने, दोनों ने हाँ मिल के नाश्ता बनाया, जैसे कि मैंने आप लोगों को किचन में नाश्ता बताया भी था। चलो, एक चीज मैं आप उसने और लेकर एक आती हूँ उसने, बैठ। हाँ जाओ लेके आओ। आप साजिद भाई को भी इधर ही बुला लो, हमारे साथ ही आके करें नाश्ता। ठीक है, अभी हम साथ में बैठ के नाश्ता भी करते हैं। ये जो है ना अंडे, ये कौशल ने बनाए हैं, साथ में अचार है और पराठे। पराठे जो है ना ये सितारा ने बनाए हैं, दोनों ने मिल के। ठीक है, गंदम के आटे के पराठे बहुत मज़े के बनते हैं, मुझे तो हैं भी बहुत पसंद। बाहर धुंध है इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। असद उठ गए हो? असद भी अंधेरे में नज़र नहीं आ रहा। हम तो रेडी रूडी हो गए हैं तकरीबन, अभी करते हैं जी नाश्ता। हाँ साथ में चाय भी ले आइए, अभी नाश्ता पूरा नहीं आया। चलो चलो शुरू करो शुरू करो, थोड़ी तो मैं वीडियो बना रही हूँ। बाजी कह रही पराठा ठंडा हो जाएगा, मैं तो खाने लगी हूँ। फिर साग भी अभी जो है ना तड़का लगा रही हैं, साग लेने की हमारे लिए। हमें तो वैसे साग बहुत पसंद है, मैंने कहा साग लेके आओ। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। ऐसे हमने शुरू कर दिया। नाश्ता आ गया, माशाल्लाह अंडे भी मज़े के बने हैं। बहुत अंडे मज़े ठीक का है, बना। आमलेट बहुत मज़े का बना है, बाजी भी बता रही वाकई में मज़े का बना है। सारा कुछ उसमें उसमें डाल के ना, प्याज टमाटर मिर्चें सब कुछ। असद को तो ये वाला आमलेट बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, लेकिन असद को बहुत ज़्यादा पसंद है प्याज टमाटर वाला। अभी साग लेने की मेरे लिए कह रही थी, साग बनाया हुआ है, मैंने कहा साग लेके आओ, मैं तो साग खाऊंगी। ये साग भी आ गया। ये आ गई साग लेके, ले आई हूँ। हाँ साग बन साग गया। दिखाओ जरा, इधर दिखाओ। हाँ ये खोल के, ये रहा साग, एमलेट भी बहुत ये रहा साग। अंडे मजे के बने और पराठे, गंदम के आटे के पराठे तो होते ही बड़े मजे के हैं। आज मैंने बनाई तो वो है रोटी बनाई, उसके ऊपर घी लगाती हूँ क्योंकि मुझे बेलने पे आते हैं पराठे ज्यादा। उधर अंधेरा है ना, थोड़ी सी इधर आओ फिर सही आएगी। अच्छा बेलने पे बनाती हूँ। हाँ घर में भी तुम नहीं, बेलने यहाँ पे पे जब मैं बनाती थी ना तब तो हाथ पे बनाती थी ना, अब जब से कराची गई ना वहाँ बेलने पे बना बना के वही आदत पड़ गई है। सही ऐसे ही होता है, टूट जाते हैं मुझे पराठे। चलो खाओ शुरू करो तुम भी। यूं करें आप लोग? नहीं आप लोग खाए, आप बनाती रहोगे, खाओ हमारे साथ इधर बैठ के भाई खाओ। चलो शाबा, साथ साथ खा लो। चारपाई को थोड़ी सी आगे खेचो, चारपाई को तो इधर बैठ के खाओ। अभी साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। साग भी गाँव का मजे का होता है, मैं भी खा के जरा चेक करके देखती हूँ कि कैसा है। बाजी साजिद भाई की तरह वो नहीं आए, उसके बिना एक दो प्लेटें भी निकालना। हाँ प्लेट बेटा, एक प्लेट लेके आओ, तुम ना जाओ। मैं बस वीडियो में ना चीजें देखती थी, मैंने देखा नहीं। प्लेटें दो तीन ले आओ। खैर वो ले आती है, एक प्लेट ले आती है, अपनी घर वाली बात है। ये टेंशन चलो जी, अभी हम जो ना कर रहे हैं नाश्ता, जो कि साग किसने बनाया? साग मैंने मंगवाया है। अच्छा अच्छा नहीं यार, अंडे बनाए मैंने, ये बनाए और साग में तड़का लगाया, बस वो कजन है उन्होंने बनाया, कजन ने बनाया। तो मैंने कहा साग हो तो साग खाएंगे, क्योंकि ये गांव की सगाते होती हैं, ये खाने को हम लोगों का दिल करता है साग वगैरह ना। तो नहीं आ रही वीडियो में, फिर उधर से उसने मंगाया है। ठीक है आप उधर हो। हाँ तो मना की वीडियो नहीं आए। हाँ मुझे पता है, इसीलिए मैंने इधर रखा। जिसने नहीं आना उसने और दे दो, उसको वैसे तो नहीं ना हम ला सकते। बस दो काफी, एक बाजी को दे दो और एक इनको दे दो। ठीक है चलो जी, मैं कर लू जरा नाश्ता, हम बैठ के करते हैं। सारा शुरू करो, तुम भी शुरू करो। ठीक है हाँ जी, तो नाश्ता नुश्ता हमने कर लिया है। ठीक है, बर्तन शर्तन जो है ना वो उठाए हैं, तो अब इंशाल्लाह आस्ता आस्ता जो है तैयारी श्यारी भी हम करेंगे, क्योंकि आज ही हमने आगे भी निकलना है। लेकिन अभी थोड़ी देर कुछ घंटा कुछ सितारा के साथ गुजारेंगे, उसके बाद जो ना इंशाल्लाह फिर निकलेंगे। तो जो भी ब्लॉग श्लोक जो बने वो सब आएंगे और आप लोग देखते रहना और हमारे साथ बने जुड़े रहना। बाजी कैसा लगा नाश्ता? बहुत अच्छा था माशाल्लाह नाश्ता। अंडे बने थे बहुत मजे के बने थी, साग भी बहुत अच्छा बना था और चार चार काउंट का था, वो भी बड़ा मजे का था। पराठे भी बहुत अच्छे बने थी और ये लोग भी बहुत अच्छे हैं, मसा यानी कि मीठे लोग हैं, तो बहुत अच्छे खलाक वाले, बहुत अच्छा। आप हैं किधर अभी? हम ये कौन आ नहीं रही, अंधेरे में बैठी हो, इधर आ जाओ ना, इधर मेरे साथ बैठी। मैं वो देख रही हूँ, नजर नहीं आ रही आप है किधर हो। मैंने कहा आप है किधर हो? बाजी कह रही अभी ये जो उधर हूँ मैं, ये आ गई उधर अंधेरा, इधर अंधेरा था ना,
ये बैठी है ठीक है। हाँ जी बीबी, हमने नाश्ता किया बहुत अच्छा माशाल्लाह। बिल्कुल सुबह का ये तारा के पास है, हम इधर नाश्ता हमने किया है माशाल्लाह। बहुत अंडे उसने बहुत मजे के बनाए थे, ऑमलेट बनाया था, साथ साग था, परांठे थी, चार था, चाय थी, और बहुत अच्छा लगा। और बहुत मीठे लोग हैं, बहुत मठास वाले हैं, तो सारी फैमिली बहुत माशाल्लाह अच्छी है। बार बार आके पूछते हैं कुछ खाना है, कुछ लेना है, कुछ करना है। बहुत मजा आया इधर आने का। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा इंतजाम किया था, बहुत ही ज्यादा। यहाँ तक कि मैं कहती हूँ इतना बार बार आती है, आके पूछती है कुछ चीज चाहिए, हमारे साथ बैठती भी है, इधर बातें भी कर रही है, अपनी लाइफ की भी सुना रही है, अपनी भी सुन, हमारी भी सुन रही है। वैसे चल रहे हैं बहुत, यानी के अच्छे लोग हैं बहुत। हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मजा हमें आया सारा के साथ, और उसके साथ मिल के भी। अभी बच्ची है जाहिर है, आस्ता आस्ता और बंदा इंसान जिंदगी के साथ साथ सीखता है सब कुछ। जे भाई ऊपर कर दो थोड़ा, नहीं बाजी हर चीज इंसान सीखता है आस्ता आस्ता। अभी बच्ची है, अभी वो खुद बच्ची है, तो जाहिर छोटी छोटी उम्र में शादी हुई, इसकी उम्र भी छोटी जब शादी हुई 13-14 साल। तो बस ऐसे ही, फिर अभी सारी उसकी 26 ईयर उसकी एज है, तो इतनी एज में इंसान कितना को मजबूत होता है, कितना को सीख सकता है, तो आस्ता आस्ता सीख जाता है, ठीक है कि नहीं। तो वो भी बच्ची है, वो भी सीख जाएगी आस्ता आस्ता। और हमने भी काफी समझाया भी है, साजिद भाई को भी समझाया है, सितारा को भी समझाया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेगा। हाँ जी, तो व्यूवर्स अभी हम इधर ही हैं जनाब, ठीक है। और भी आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसमें जो है ना, मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, खुश रहें, आबाद रहें, और आपको दिखाएंगे कि और हमारी क्या गपशप यहाँ पे हुई और क्या क्या हमने किया, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ जी। तो व्यूवर्स ये देख लें जी, नज़र कुछ नहीं आ रहा फिलहाल, तो हम करेंगे वेट, थोड़ी सी धुंध उतरे तो, ताकि हम भी कुछ यहाँ पे अपनी जो है ना शूटिंग कर सके, शूटिंग की समझो, फिल्मों की शूटिंग ये हो रही है, ठीक है। तुमने कर ली काफी हद तक? अच्छा, यहाँ पे कर लिए मैंने। ये अभी तो नजर भी नहीं आ रही, ग्रीनरी भी नहीं नजर आ रही, ना कोई पट्टे नजर आ रहे। नहीं, मुझे खुद बड़ी सर्दी लग रही, मैंने कहा मैं थोड़ी सी बना के अंदर आती हूँ, मेरी वजह से कोई भी बाहर ना आए, अंदर ही रहो, क्योंकि मैंने खुद एक मिनट में मैंने अंदर भाग जाना है, ये लोग बाहर आएंगे फिर अंदर जाएंगे, फायदा क्या, ठीक है। और जिसने वीडियो में नहीं आना वो तो उधर ही रहे, इधर बिल्कुल भी ना आना, नहीं तो मैं वीडियो में ले आऊंगी। नहीं नहीं, मैं पठों में नहीं जाऊंगी, सारे अभी गिल्ले हैं, उनके अंदर पानी है, ठीक है। चौधरी साहब मुझे कह रहे हैं पठों में जाओ, जाके दौड़ लगाओ, वॉक करके आओ, मैं तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। अच्छा, मैंने गिल्ले कपड़े, पैर गिल्ले करने मैंने। अच्छा, मेरी बनाना, इधर मैं खड़ी होती हूँ। चलो, 12:15 का टाइम है, तो ये देख लें, ठीक है। ठंड सही शुरू हुई। ओए, ये कांटे बड़े लगते हैं। अच्छा, ये जो मैं तुम्हें बता दूँ, ये किक्कर है, ये जो कांटा है ना, ये मुझे मारोगे? ये बचपन में मुझे पता है, मेरे पैरों में लगा था, मैं गाँव में गई थी ना, तो वहाँ पर ये कांटा था, मुझे नहीं था पता, मैंने रख दिया ऊपर पैर। आज भी गाँव में रखो पैर, कांटा टूट गया पैर के अंदर, फिर इतनी मुश्किल, वो सुइयों के साथ निकालना पड़ा था, कुछ ना पूछो। और मौसम ये देखें जरा, ये मौसम ये गाना होना चाहिए, हालात क्या हवा है। बेबा जी, ये चाहते हैं कि मैं इनके अंदर जाऊं, ये गंदम है। मौसम के बारे में गाना के फिर से, क्या मौसम आया है, मुझे इतना ही आता है ये वाला, इससे ज्यादा कौन सा अभी मैं आपके लिए कौन सा गाऊं चौधरी साहब? मौसम ये आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, पावे में थले डिग पवा, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, तू छुट्टी लेके आजा बालमा, आपके ऊपर मेरे दिल की, वो मेरे दिल की लगी ना कोई जाने, जाना जाना, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ये चौधरी साहब के लिए था, चार्ज फेरे मेरे चक्कर निकाल रहे मेरी वीडियो बनाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे ये जो अभी ये वाली जो सर्दी है ना, ये अभी जैसे वो होती है ना गर्मैश उस तरह हुई कि पूरी धुंध गिरी हुई है। बाबा सिगरेट पी रहे हैं, बाबा सिगरेट नहीं पी रहा, यम्मा सिगरेट पी रही है, धुएं मुंह से निकल रहे हैं ऐसे जैसे सिगरेट पी रहे होते हैं। और चौधरी साहब कह रहे हैं कि कोई बाबा सिगरेट पी रहा है, ये इतना ज्यादा धुआं उसका हुआ हुआ, ठीक है। इस तरफ आ जाओ, उधर वो गंदा कचरा, इस तरफ 10-12 बाबे में मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा माहौल है, और मुझे सितारा से मिलके इतना अच्छा लगा। मैं अपनी फीलिंग
वो बात वो चीज आपको बता नहीं सकती, ठीक है। अभी उसके साथ तो मैंने बाहर आके वीडियो बनानी है, अभी वो काम काज में लगी हुई है, बच्चों को देख रही है। पहले उन्होंने हमारे लिए नाश्ता वगैरह बनाया, फिर वो खाया पिया हमने, तो अभी वो जैसे सब कुछ क्लोज क्लोज करेगी उसके फिर रेडी होती है, फिर जो है ना हम अच्छी से एक प्यारा सा अपना एक व्लॉग बनाएंगे। उससे पहले जो है मैंने कहा मैं तो बाहर जाके होके आऊँ, तो बाकी आप सबके मैसेज मैंने दिए हैं उसको, ठीक है भाई, जो जो उनसे प्यार करती हैं, जो जो बात करना चाहती हैं, ठीक है। कुछ के नंबर शंबर भी मैंने दे दिए, मैंने कहा इनसे फिर जब टाइम लगेगा तो देखना भाई कर लेना, ठीक है। तो बस है, बहुत अच्छी, इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी बच्ची है ना, मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकती। साजिद भी बहुत अच्छा है, उनके ससुर से मिली वो भी बहुत अच्छा है, उनकी देवरानी जो यहाँ पे वो भी बहुत अच्छी है। मैं तो हूँ ही ना, फिर मैं तो आपको अच्छी लगती हूँ ना, मैं क्या बता दूँ। अच्छा वीडियो में आके बताओ, ऐसे नहीं कोई मानेगा। चौधरी साहब कह रहे बहुत अच्छी, वीडियो में आके बताए फिर आप लोग मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे ना। वीडियो ही ना बहुत अच्छी है, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ। वीडियो में बोलना ना, पिक्चर भी आप नहीं दिखानी, ठीक है, पिक्चर भी आप नहीं दिखानी। बहरहाल गाँव का माहौल बहुत अच्छा लगा मुझे, तो वैसे ही गाँव बहुत ज्यादा पसंद है। तो इंशाल्लाह चले, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मैं ये ना इधर बीमार हो जाऊँ, आप अंदर जाती हूँ मैं जरा। ये तैयबा का गिफ्ट है, कैसा लगा है आपको? कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ये रात की अभी चलाई है तैयबा को, रात को मैंने दी थी, अभी तैयबा ने चलाई है। इसका फेस इधर करो जरा, तैयबा तो बहुत खुश है, आयत तो बहुत खुश है, तैयबा भी खुश है। ओ जमीन ठीक नहीं है ना, इसलिए सही नहीं चल रही। इधर आओ जरा, इधर आके बताओ आपको नानो ने जो गिफ्ट दिया आपको कैसा लगा है? कितना अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हो। ये तैयबा का गिफ्ट है जी, ठीक है। इसमें लाइटिंग भी जलती है, हाँ हाँ इसमें तो लाइटिंग भी जलती है। चलो खेलो मेरा बेटा इसके साथ, ठीक है। किसी को नहीं देना आपने अपना गिफ्ट, अच्छा ठीक है। हाँ जी, तो व्यूवर्स उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब, ठीक है जनाब। तो इस व्लॉग में जो आप सबसे मैं चाहूंगी इजाजत, अभी हम इधर ही हैं, और भी हमारे बहुत व्लॉग आने वाले हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।